सलवात के जरिए इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद उनकी चर्च में हम जिदा जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करते हैं। मुसलमान बन जाता है, मुसलमान आए तो सलमान बन जाता है, सलमान आए तो फकर सुलेमान बन जाता है, बेजर आता है तो बुजर बन जाता है। इस दर के बारे में क्या क्या खुसूसियत बयान करूं कि दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए, दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। और ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए, ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए। इमाम जमाना के हवाले से भी मिसरे हाजिर कर देता हूँ कि गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है, गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है, मौला तुम्हारा हमको बड़ा इंतजार है, गैबत पे जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है, मौला तुम्हारा हमको बड़ा इंतजार है। अरे पहला वहीं से आया था आखिर भी आएगा, पहला पहला वहीं से आएगा। जो लोग खाने काबा गए हैं जो दर बना था निशान आज तक बाकी है, मिटाने वाले मिट गए हैं लेकिन निशान को नहीं मिटा सके। दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए, जनाबे हुर ने बताया है रोज़े आशूरा जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए, ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए। और गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है, मौला हमारा तुमको मौला तुम्हारा हमको बड़ा इंतजार है, गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है, मौला तुम्हारा हमको बड़ा इंतजार है। पहला वहीं से आया था आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिदार में अब तक दरार है। वहीं से आया था आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिदार में अब तक दरार है। मैं मुल्तमिस हूँ बरादर अजीज सैयद रफी शब्बाज की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए और बरगाह इमाम में नजराने अकीदत पेश करें। बाबा देव बन नारे से सास से अब सिर्फ आजरा तेरी चश्मे अता का है, अब सिर्फ आजरा तेरी चश्मे अता का है, मेरे दिए हैं और इलाका हवा का है, अब सिर्फ आजरा तेरी चश्मे अता का है, मेरे दिए हैं और इलाका हवा का है। अजरला जहूर का या वारिसे हुसैन, अजरला जहूर का या वारिसे हुसैन, जिसको भी देखिए दुश्मन अजा का है, जिसको भी देखिए दुश्मन अजा का है। और जिंदा भूतों का कब्जा हटाने के वास्ते, जिंदा भूतों का कब्जा हटाने के वास्ते काबे को इंतजार वली खुदा का है, काबे को इंतजार वली खुदा का है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा नाम अली सा ना उभरते देखा, दूसरा नाम अली सा ना उभरते देखा, सारी दुनिया को उसी नाम पे मरते देखा, दूसरा नाम अली सा ना उभरते देखा, सारी दुनिया को इसी नाम पे मरते देखा। ए अली तू ही वो साजिद है, ए अली तू ही वो साजिद है कि एक दिन हमने सजदा सूरज को तेरे पांव पे करते देखा, ए अली तू ही वो साजिद है कि एक दिन हमने
सजदा सूरज को तेरे पांव पे करते देखा सर्वात भेजवा अल्लाह हु अकबर अल्लाह मुहम्मद व आली मुहम्मद। जो भी जिक्र शाह अबरार नहीं कर सकता वो मोहम्मद से कभी प्यार नहीं कर सकता। तीर को तोड़कर हंसकर अली असगर ने कहा, तीर को तोड़कर हंसकर अली असगर ने कहा, फुर्मुला अब तू कभी वार नहीं कर सकता। तीर को तोड़कर हंसकर अली असगर ने कहा, फुर्मुला अब तू कभी वार नहीं कर सकता। और लहत में चैन से वो महवे ख्वाब होता है, लहत में चैन से वो महवे ख्वाब होता है, कहीं गुलामे अली का हिसाब होता है। लहत में वो चैन से महवे ख्वाब होता है, कहीं गुलामे अली का हिसाब होता है। सितम करो से रखो तू तकार का लहजा, सितम करो से रखो तू तकार का लहजा, जदीदियों से कहीं की जनाब होता है। भेजिए मोहम्मद वाले मंगाब को तोरे खास समाप्त फरमाए। तुमने गमे हुसैन पे फतवा लगा दिया, तुमने गमे हुसैन पे फतवा लगा दिया, है नस्ल में खराबी ये सबको बता दिया। तुमने गमे हुसैन पे फतवा लगा दिया, है नस्ल में खराबी ये सबको बता दिया। तो जब ये सुना के टूटता है देखकर निकाह, जब ये सुना के टूटता है देखकर निकाह, हमने भी लाके चौक पे परचम सजा दिया, हमने भी लाके चौक पे परचम सजा दिया। सलवात भेजो अल्लाह हु अकबर। ये शेर मुझे खास मालूम है। हज करके भी जो अली की मोहब्बत से दूर गए, हज करके भी जो अली की मोहब्बत से दूर है, भैया कसूर ना मानना ये माँ का कसूर है, भैया बुरा ना मानना ये माँ का कसूर है। अरे भूख से अली ने क्या तेरी बिनाई छीन ली, भूख से अली ने क्या तेरी बिनाई छीन ली, जश्न विला में पूछता है कैसा नूर है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। असली शेर मत फरमाएं। हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, इस 14 मास में फरमाते हैं, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। चौथे मुद्दे पे, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं तेरा शजरा बताऊं तुझसे ए मैं तेरा चजरा बताऊं तुमसे ऐ शेख, तू मेरे कान में बजा दे अपने बाप का नाम। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल एलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। क्या बात है, अपना शजरा बताऊं तुझे अलल एलान, ये चौथे इमाम ने मुखातिब करते हुए कहा था यजीद के दरबार में। बता सकता हूँ अपना नाम, इंदा के बेटे को मुखातिब करते हुए शजरा बताऊं तुझे अलल एलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। और आई हजरात, में चार मिसरे हाजिर कर देता हूं जनाबे हुर के हवाले से, कि खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया अपने इमाम तक। खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया अपने इमाम तक। सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। अल्लाह
सरवर ने हुर को हुर के मान ही बता दिए लानत से खींच लाए अलैहि सलाम तक। आइए हजरत ने मुतमिस को एक बंदा बुला मदा खान बरादर हुसैन पंजवानी से गवाए और बारगाह मौला में हजरत ने आपकी इज्जत पेश करें आवाजें बुलंद नारे सलावत अल्लाहु अकबर अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं लगा के हमारी बंदगी मौला हमारी जिंदगी मौला नबी ने कह दिया मौला जिसे बस है वही मौला सिखाया मान अपनी लोरियों में या अली मौला कदीरे गम का किस्सा अपने बच्चों को सुनाते अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं खुला करता है हज के तरमियां खुशियों का दरवाजा तवाफ ऐसा है होता झूमता है खाने काबा दिलों में अजमत तौहीद लब पर या अली मौला खुदा के घर अली पैदा अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं जो कहलाता है मोमिन करबला का है वो बाशिंदा मजालम के मुकाबिल खून से रहता है पाइंदा अली पर जान देकर ये हमेशा हो गया जिंदा शहीदों के तो चेहरे भी मुसलसल कोशिशों के बाद भी नाकाम था लश्कर अलम जिसको पैगंबर से मिला वो मर्द है हैदर मवाली सब इकट्ठे हो गया है सज गया खैबर जो सच्ची बात होती है जो सच्ची बात होती है वही सबको सुनाते ऐसे मनाते हैं अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं लगा के है दरी नारे लगा के है दरी नारे ये चेहरे मुस्कुराते हैं अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं नारा है दरी برادر حسین پنجوانی بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے آج کل ماحول بڑا پورا شوب ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے الزام تراشیاں کرتے تھے تو ان کو جواب دے دیا کرتے تھے ہے نا اب آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کئی دن سے ویڈیو وائرلس ہو رہے ہیں معاذ اللہ مرجعیت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں لعنت ملامت کر رہی کی جا رہی ہے خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر میں آصف جلال صاحب کے چار مصرے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کو انجام دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے کسی کا بہترام کیا ہے زمانہ کتنا بدل گیا ہے کسی کا بہترام کیا ہے زمانہ کتنا بدل گیا ہے کسی کا اے احترام کیا ہے شریف عزت بچا رہا ہے ذلیل کہتا ہے دام کیا ہے شریف
जमाना कितना बदल गया है, किसी का एहतराम क्या है, शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है दाम क्या है। अरे मजाल देखो के आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें ये आसिफ कबर नहीं है। हलाल क्या है, हराम क्या है, खबर नहीं है हलाल क्या है। हलाल हराम की अहमियत जिनको ना हो वो लोग माशाल्लाह उठाएंगे उंगली और मैं इकराम पे मर जाए तकलीफ पे, खुदा लानत करे। और इंशाल्लाह मैं मुल्तमिस हूँ बरादर जैन अब्बास की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए और बारगाह मौला में नादरान अकीदत पेश करें। बाबा जी बुलंद नारे सल्लल्लाहु सफर में तो फिर भी है एक मकाम, मगरिब है मेरे कदमों में करना वही कया। दे जगह से वहां से निकलता गया आफताब, मेहदी से पूछ पूछ के चलता है आफताब। मसरूफ कारजार कांद
कंधे पे बेनयाम रखी होगी ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह का होगा खुद बली अल्लाह का पर निसार, तलवार खुद कहेगी जरी बार बार बार। फहरिस्त देंगे दुश्मन आले रसूल की, फिर देख क्या करेगी सगेली बतूर। एक शख्स मुझसे कहने लगा गौर कीजिए, नामे अली भी ऐन से है। मैंने कहा कि इसमें भला क्या कमाल है, इसे हलाल आता है इसे हराम। कहने लगा कि मेरे बड़े थे बड़े दिले, हर जंग में तो उनकी ही तलवार तेज थी, हर जंग में तो उनकी ही तलवार तेज थी। मैंने कहा कि ठीक कहा आपने जनाब, तलवार उनकी सुस्त थी रफ्तार तेज थी, तलवार उनकी सुस्त थी रफ्तार तेज थी। हिजरत की शब अली को सुलाया बताओ क्यों, हिजरत की शब अली को सुलाया बताओ क्यों। ये कैसा फैसला था रिसालत माब का, ये कैसा फैसला था रिसालत माब का। मैंने कहा कि दूसरा होता अगर वहां बिस्तर के साथ उठता जनाजा, जनाजा जनाब का। ये मुफ्ती नजाब नाम फिलहाल में ये लेते हैं तो मुझे मारूफ सिरसवी साहब के मिसरे याद आ जाते हैं। फरमाते हैं कि अजब मुफ्ती है मुझसे पूछता है तंज में भर कर, अजब मुफ्ती है मुझसे पूछता है तंज में भर कर, तवल्ला किसको कहते हैं तवल्ला किसको कहते हैं, तवल्ला किसको कहते हैं तवल्ला किसको कहते हैं। है खायल वो भी हज का और मैं भी हज का खायल हूँ, है खायल वो भी हज का और मैं भी हज का खायल हूँ। अरे उसे पतराए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं, इधर काबे के चक्कर और इधर शैतान पर पत्थर। इधर काबे के चक्कर और इधर शैतान पर पत्थर, तो अल्लाह इसको कहते हैं तो उसे बतलाए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं, इधर काबे के चक्कर और इधर शैतान पर पत्थर, तवल्ला इसको कहते हैं तवल्ला इसको कहते हैं। और बुक्स में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज, बुक्स में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज, खुल्द में दर्जी न थे कपड़े कहाँ से आ गए। कपड़े न थे दर्जी कहाँ से आ गए। अरे अर्श से दुम्बे के आने को बताता है वजह, अरे जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहाँ। बताता है बचा जब नसीहत बजी तो चरवाहे कहां से आ गए। आइए हजरात मैं मुल्तमिस हूं
जिसके मुंतजिर आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। बहुत अच्छा सुनाते हैं, तहत भी अच्छा है, तरन्नुम भी अच्छा है, दुआ भी अच्छी है, ज़ियारत भी अच्छी है। क्या क्या तारीफ की जाए कसम खुदा की। मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाई मुंतजिर से कि वो आए और बारगाह में मौला मिला था कि दर पेश करें बाबा जी बुलंद नारे सलात में अफराद अल्लाह से डर लगता है।
بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ تو بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ محمد والے لگتا ہے، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں۔ آغا سروش حیدرآباد فرماتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں۔ ہمیں دارو رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو، ہمیں دارو رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو، کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں، ہمیں دارو رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہیں، کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں۔ عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازے حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں، عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازے حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں۔ تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جب حق پر بات آ جائے، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو باہر ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے، فرش ازا پہ بیٹھنا کافی ثواب ہے، ہم تو بلا فاصلے کے ماننے والے ہیں، ہم لوگوں میں فاصلے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ دنیا تک ہماری لائیو ویڈیو کر رہے ہیں شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کے ذریعے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری محفل کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں برادر حسنین میں گانے کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، ہمارے گاہ محرم میں جانا ہے عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرہ سلوات نہیں آتا، مجھے وہ
कभी भी खेल न हो। देखिए वो आ गए हुसैन,
पेशावर का मंजर ले लिए। देखिए वो आ गए उसे شیر پیش کرتا ہوں خوری مثل خاک تھا مگر مولا سے ملنے سے پہلے تو وہ مثل خاک ہی تھا نا ہو پھر کیا ہوا خوری مثل خاک تھا مگر خوری مثل خاک تھا مگر خوری مثل خاک تھا مگر آسمان بنا گیا آسمان بنا گئے حسین آسمان بنا گئے حسین اور یہ مجلس محفل تبرک نیازیں جلوس عزا ماتم کیا ہے میں پیش کرتا ہوں یہ تو ابھی ہم ہیں تو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ورنہ یہ چیزیں تو جو ہے وہ جب سے کائنات بنی یہ ساری چیزیں ہوتی آ رہی ہیں میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ عرش کی تمام رونقیں علی بھائی عرش کی تمام رونقیں عرش کی تمام رونقیں عرش کی تمام رونقیں فرش پہ سجا گئے فرش پہ سجا گئے حسین اور مولا حسین نے شب عاشور جو ہے وہ ایک چراغ کو گل کر کے کہا تھا کہ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے میں شعر پیش کرتا ہوں کر کے ایک گل چراغ بس کر کے ایک گل چراغ بس کر کے ایک گل چراغ بس سو دیے جلا کر حد بتا گئے اس کی حد بتا گئے حسین اور اسی طرح سے میں ایک اور شعر پیش کرتا ہوں ایک اور شعر پڑھتا ہوں اس کی حد بتا گئے حسین ارے پھر نہ بن سکا کوئی یزید ابھی حد بتائی تھی اب کیا میں پڑھتا ہوں پھر نہ بن سکا کوئی یزید پھر نہ بن سکا کوئی یزید پھر نہ بن سکا کوئی یزید وہ سبق سکھا گئے حسین وہ سبق سکھا گئے حسین اور روشنی کر لینا لیکن کسی حلال زیادہ مومن اور شیعہ کے ساتھ بحث نہیں کرنا اس کا کیا 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 وجہ ہے اور کیا منطق ہے اس کی میں پیش کرتا ہوں تیری گی میں تابے حسین
شیر دیکھے گا کہ ظالموں کے ساتھ دو بدو ظالموں کے ساتھ دو بدو ظالموں کے ساتھ دو بدو بولنا سکھا گئے کہ دشت کربلا کا مرتبہ دشت کربلا کا مرتبہ دشت کربلا کا مرتبہ خود سے بہا کے نکلا ہے وہ قلم کا سپاہی جہاد پر باطل کو اپنی جان بچانا محال ہے ارے بھیجو ضرور پہنچے گی لعنت یزید پر پانی ادھر ہی جائے گا جس سمت ڈھال ہے اور سازش جو آج رچتا ہے تخلید کے خلاف سازش جو آج رچتا ہے تخلید کے خلاف وہ چودہویں صدی کا یزیدی دلال ہے آپ لوگوں کی شاداب سماعتوں کو بہت ہی بہترین نظامات کے فرائض انجام دے رہے ہیں سید جیتے رہے ہیں آپ لوگ بہترین طریقے سے سن رہے ہیں عقیل بھائی کہہ رہے تھے تھکا ہوں تھوڑا سا پڑھوں گا سید تو بھائی تو محفل لے جا چکے ہیں لیکن ہم پڑھنے آئے ہیں ایک شعر سنا دیں عذر کا فقیر ہوں جہاں قطرہ سمندر دکھائی دے محمد والے محمد سماعت طرح
पैमाने पे लाख तोड़ के भागे तो नहीं है। शहर कराची के बलंगों को सलामी, पैमाने पे
किला तोड़ के भागे तो नहीं है तो पूरे तो बहुत दूर बच्चों की वफा गई मुश्किल में अलग छोड़ के भाग तबस्सुमे अली असगर ने हौसला बख्शा जब वो
कौन रोकेगा भला तामीर करने से हमें, कौन रोकेगा भला तामीर करने से हमें। फातिमा हम तो क्या है आपके दुश्मन से खुद लेगी जमीन, हम तो क्या है आपके दुश्मन से खुद लेगी जमीन। आपके जाने का बदला आपके जाने के बाद, आपके जाने का बदला आपके आने के बाद। वो नमाजी वो नुसैरी और वो है मातमी, शियों में भी तो फर्क बने में सब एक दूसरे को ध्यान देते हैं, ये मातमी टोला ये मुश्ताक वाला टोला अलग। वो नमाजी वो नुसैरी और वो है मातमी, खत्म होगा बस ये झगड़ा। कह रहे हैं जो तमाशा मातम शबीर को, कह रहे हैं जो तमाशा मातम शबीर को, बनेंगे वो तमाशा। ए दुश्मन शब्बीर तेरे पीर 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 पे लाना, नसीम मलिक पे लाना, शिमर मरूद पे लाना। आपका दरबारी शायर सब तकल्लुम को कहे, आपका दरबारी शायर सब तकल्लुम को कहे, काश मिल जाए ये रुतबा। पढ़ देता हूँ कि कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूले खुदा से मिलने लगी, दुआएं मुझको रसूले खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीसे किस्सा मदीने। जिस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में, दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीसे किसा मदीने में। और कल की शब है सवाल फरमाए कि दुआ करो के जहूरे इमाम हो जाए, दुआ करो के जहूरे इमाम हो जाए, उठेगा जल्द अलम ताजिया मदीने में। नबी की बेटी की मरहत को छत मयसर हो, नबी की बेटी की मरहत को छत मयसर हो, खुदा से मांगता मैं और क्या मदीने में। नबी की बेटी की मरहत को छत मयसर हो,
खुदा से मांगता मैं और क्या मदीने में मैं मुतवस बरादर अजीज मोहतरम मिनहाल रिजवी साहब से तशरीफ लाए और बारगाह मौला में नजराना की पेश करें। इसके बाद बरादर ऑन है, उसके बाद महफिल इख्तिताम पुजी रहे इंशाल्लाह। आवाजें बुलंद ना रहे, सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। बीच में एक दो शेर हुए थे शहीदों के नाम से, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो सारे शहीदों के लिए फातिहा पढ़ दें। दो शेर पेश करूंगा, उसके बाद एक का बता क्या हवाले मुश्किल में है, मुश्किल से ये बचने का सलीका, मुश्किल में है, मुश्किल से ये बचने का सलीका है, रोज अजल से यही नबियों का वजीफा, नाद अली अल मजर अल रजाए, नाद अली अल मजर इन्हें 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 बतूल ने भेजा,
कि फकत जबान से यार तरी नहीं कहते। कि फकत जबान से यार तनी नहीं कहते, सबूत देते हैं हलके ये पुरसदारों के, लहू बदन का है सारा हुसैन तेरे लिए। लबैक या हुसैन, 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 तेरे लिए तेरे बगैर नहीं लगता दिल पयंबर का, तेरे बगैर नहीं लगता दिल पयंबर का, तेरे बगैर नहीं लगता दिल पयंबर का, बता रहा है ये हमको ज़हूर अकबर का। रश्क आए मुझे अपने लाल पे क्यों कर, न रश्क आए मुझे अपने लाल पे क्यों कर, अभी तो रोजा भी वाजिब नहीं हुआ उस पर, मगर वो रखता है फाका हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए। और एक बार खास से शेर पेश कर रहा हूँ कि जो नमाजी है वो आज़ादार है, जो आज़ादार है वो नमाजी है, जो आज़ादारी नहीं करता उसने नमाज को अहमियत नहीं दी, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसने आज़ादारी को अहमियत नहीं दी। कह रहा हूँ बशर वो सच्चा नहीं दावा मोहब्बत में, बशर वो सच्चा नहीं दावा मोहब्बत में, बशर वो सच्चा नहीं दावा मोहब्बत में, वो सर कटाएगा क्या खाक तेरी मुसरत में, जो सर झुका नहीं सकता हुसैन तेरे लिए, हुसैन सरवर में वक्फ की तूने, हयात मातम सरवर में वक्फ की तूने, किया हमेशा तकल्लुम अली अली तूने, तू देख कर दे क्या क्या हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले जिंदा, हुसैन तेरे लिए, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा करम की इंतहा हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, करे जो को क्या
हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। भाई जो फरमाइश की उसको पेश कर रहा हूँ, शहीद कर सुनाएंगे
हम सुनाएंगे जब कुछ नया कलाम है।
چڑکے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ چڑکے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا ارے چاہنے والے خدا کے تو بہت ہیں لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں چاہنے والے خدا کے تو بہت ہیں لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا اور ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا آج کہتے ہیں ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا حکم شبیر کی حد پار نہیں نہیں کر سکتا ارے جنگ تو دور تیرا ایک سپاہی بھی عزیز میرا کھینچا ہوا ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہ نے
हाथों को ये कहते हुए खोला सैने, अब तुझे कोई गिरफ्तार ہو گئی تیری تو اے یزید خود تیرا ساتھ تیرے پسر نے نہیں
कहीं तो है अजी वो तेरा काम तेरे पिसाने ने नहीं किया। बाबा हुए शहीद तो बेटा बना इमाम, बाबा हुए शहीद तो बेटा बना इमाम, लेकिन नमाजियों को बिखरने नहीं दिया। रब जानते हुसैन जाड़े, रब जानते हुसैन